तीरथ कैबिनेट की पहली बैठक की, जिसमें दो बड़े फैसले हुए। निर्माण के लिए नक्शा अनिवार्य नहीं रहेगा और 13 जिलों में निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता को खत्म किया गया है। दूसरा बड़ा फैसला यह है कि महामारी एक्ट के तहत जो मुकदमे सरकार ने दर्ज किया था उसे तीरथ सिंह रावत सरकार ने वापस लेने का फैसला कर लिया है। यानी कि कोरोना काल में महामारी एक्ट के तहत जो भी मामले दर्ज हुए थे, चाहे वो लॉकडाउन के उल्लंघन का रहा हो, चाहे एक्ट के पालन का रहा हो, उन तमाम मुकदमों को तीरथ सिंह सरकार वापस लेगी। तो पहली कैबिनेट की बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए। पहला बड़ा फैसला ये कि 13 जिलों में निर्माण के लिए प्राधिकरण से नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा। वहीं दूसरा बड़ा फैसला यह है कि महामारी एक्ट के तहत मुकदमे जो दर्ज किए गए थे उन्हें सरकार वापस लेगी। और बड़ी खबर देहरादून से, सीएम तीरथ के सामने नई चुनौतियां हैं, बड़ी चुनौतियां हैं। मंत्रियों को विभागों के बंटवारे की एक चुनौती उनके सामने है। मंत्रियों को पोर्टफोलियो बांटना आसान नहीं होगा। कल ही 11 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। अब देखना होगा कि किसको क्या विभाग या मंत्रालय दिया जाता है। तो ये बंटवारा आसान नहीं होगा सीएम तीरथ सिंह रावत के लिए। कुल मिलाकर 11 मंत्रियों ने कल शपथ ली है और अब उनके पोर्टफोलियोज का खुलासा होना है, उस पर मंथन होना है, किसको क्या विभाग दिया जाएगा और कितने मंत्रालय सीएम अपने पास रखेंगे। पिछले नेतृत्व में 40 से ज्यादा जो विभाग या मंत्रालय थे उन्हें त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पास रखा था और अब देखना होगा कि तीरथ सिंह रावत कौन कौन से मंत्रालय मंत्रियों को देते हैं या फिर कितने अपने पास रखते हैं। ज्यादा अपडेट के लिए रुक करेंगे, हमारे सहयोगी पंकज राणा इस पर नजर बनाए हुए हैं। पंकज, कुछ पोर्टफोलियोज, कुछ नाम क्या चर्चा में बने हुए हैं, क्या अटकलें लग रही हैं कि किसको क्या मिल सकता है और कितने मंत्रालय तीरथ सिंह रावत अपने पास रख सकते हैं? आज तक देखिए, ये स्थिति आज साफ होने की संभावना जताई जा रही थी कि आज जो कल मंत्रिमंडल के शपथ के बाद आज सभी जो मंत्रियों को हो वो पोर्टफोलियो दे दिए जाएंगे, लेकिन आज क्योंकि सेकंड सैटरडे है, छुट्टी है, मैं इस वक्त सचिवालय के गेट के बाहर ही मौजूद हूँ और यहाँ भी कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। हालाँकि छुट्टी के बावजूद भी ये गोपन विभाग की ओर से ऐसा हो सकता है कि आज पोर्टफोलियो दिए जा सके हैं। पिछले एक मुख्यमंत्री की बात करें त्रिवेंद्र सिंह रावत की, तो उनके पास तकरीबन 40 से ज़्यादा विभाग थे, जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग होते हैं वो उन्हीं के पास है। तो ऐसा माना जा रहा है कि क्योंकि पिछली कैबिनेट में 3-4 पद खाली भी पड़े हुए थे, तो इसीलिए मुख्यमंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण पद अपने पास रखे थे, लेकिन इस बार जो कैबिनेट है वो कंप्लीट हो गई है, सभी पद उसमें भर दिए गए हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि क्योंकि सरकार के पास समय भी कम होगा और जो भी काम ऐसे हैं जिनको उन्हें एक साल के अंदर पूरा करना होगा, अब ऐसे में माना जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने सभी मंत्रियों को बराबर रूप में जो विभाग है वो बांट देंगे। तो संभवतः आज उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन छुट्टी वजह से आज संभवतः ये नहीं होगा। और ये भी चर्चा थी कि विभाग बंटने के बाद तमाम जो मंत्री हैं जिनको शपथ दिलाई गई है वो आज विधानसभा में जाकर अपना पदभार भी ग्रहण करेंगे और अपने कामों को अब शुरुआत कर देंगे, लेकिन अभी आज क्योंकि छुट्टी की वजह से ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी। अब साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से शपथ दिलाई गई है, पहले सतपाल महाराज को शपथ दिलाई गई है, तो ये माना जा रहा है कि उन्हें भारी भरकम विभाग दिए जा सकते हैं। और देखने वाली बात है, मुख्यमंत्री पद के लिए भी चला था, नाराजगी ना हो, भारी भरकम बनाए रखिएगा और आपसे जानकारी और अपडेट्स लेते रहेंगे।